दयानंद छत्तीसगढ़ कैडर के 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ करने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। आईएसपी दयानंद बिहार राज्य के सासाराम जिले के पास एक गांव के रहने वाले हैं। पी दयानंद के पिता डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। दयानंद 5 भाई और 3 बहनों में तीसरे नंबर पे हैं। उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई सासाराम के सरकारी स्कूल से की है। पी दयानंद के भाई यूपी के वाराणसी के पास मिर्जापुर में रहते थे, इसलिए वे भी आगे की पढ़ाई के लिए मिर्जापुर आ गए। 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पी दयानंद ने मिर्जापुर के सरकारी स्कूल से की है। स्कूलिंग पूरी करने के बाद पी दयानंद इलाहाबाद आ गए। यहाँ उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। पी दयानंद के डिप्टी कलेक्टर पिता का सपना था कि उनका बेटा दयानंद भी आईएएस अधिकारी बने। पिता के सपने को पूरा करना दयानंद ने अपना लक्ष्य बना लिया था। हिंदी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा देने वाले पी दयानंद ने 2002 में पहला प्रयास किया, लेकिन वे इसमें असफल रहे। फिर 2005 में अपने अंतिम और चौथे अटेम्प्ट में वे यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने में सफल रहे और 2006 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी बने। ट्रेनिंग के दौरान दयानंद भारत दर्शन फेज में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दौरे पर भी पहुंचे थे। बाद में वे दंतेवाड़ा में जिला पंचायत सीईओ के तौर पर भी पदस्थ हुए और फिर सुकमा कलेक्टर रहने के दौरान वहाँ एजुकेशन सिटी बनाने का काम किया। प्रोबेशनर आईएएस के तौर पर दयानंद अंबिकापुर के एसडीएम रहे थे। एलेक्स पॉल मेनन जब सुकमा के कलेक्टर थे तब उनका नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। उनकी रिहाई के बाद उनका सुकमा से ट्रांसफर कर दिया गया। तब पी दयानंद को कलेक्टर बनाकर सुकमा भेजा गया था। तब उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और सुकमा आ गए। सुकमा में कलेक्टर समेत बस्तर में विभिन्न पदों को मिलाकर वे 3 साल तक वहाँ पदस्थ रहे। इस दौरान उन्होंने वहाँ आदिवासियों की शिक्षा की दिशा में बहुत काम किए। पी दयानंद सुकमा कबीर धाम कोरबा और बिलासपुर जिले के कलेक्टर रहे हैं। कोरबा में उन्होंने डीएमएफ मद से कई काम करवाए। बिलासपुर में 20 महीने तक पदस्थ रहने के दौरान उन्होंने पेंड्रा मरवाही ट्राइबल एरिया में आदिवासियों को आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में स्थित करगी कला में सालों से बेघर सपेरों की कच्चे मकानों की बस्ती का दौरा करने के बाद कलेक्टर दयानंद ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से चर्चा कर पीएम आवास के नियम शिथिल करवाए और सपेरों के लिए पक्के मकानों की कॉलोनी ही बना डाली। इसके अलावा वे बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान विजन 2020 बनाकर चर्चा में आए थे। पी दयानंद को कलेक्टर बिलासपुर के बाद प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया था। संचालक पंचायत एवं संचालक समाज कल्याण के तौर पर वे कार्यरत रह चुके हैं। वे आयुष विभाग के कई महीने तक डायरेक्टर भी रहे। कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल तक लूप लाइन में रहने वाले दयानंद वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव हैं। वे मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ हैं। उनके पास सचिव चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।